एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में मैंने बनाया है बहुत ही क्विक और बहुत ही सिंपल वे में बनने वाले वॉल डिकोर, जो कि आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है पॉप स्टिक्स। ये कलरफुल है, आप प्लेन भी ले सकते हो। और उस पर मैंने कुछ बहुत ही रैंडम सी डिज़ाइंस बना दी है। आपको जो सिंपल लगती है, आपको जैसे आती है, आप वैसे सिंपल सी डिज़ाइन बना सकते हो। और हर एक पे मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस की है। जो मेरे पॉपस्टिक है वो ऑलरेडी कलर है, तो मुझे ज़्यादा कलर स्कोप नहीं था कलर करने का। अगर आपके प्लेन है तो आप बहुत ही कलरफुल कर सकते हो। वो जब डिज़ाइन सूख गई तो मैंने उस पर थ्रेड से उसे ऐसे टाई कर लिया, एक के नीचे एक नॉट करके, तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। बस सिंपल हमारे जो DIY है वो रेडी है। बस मैं इसमें नीचे में कुछ टैसल्स लगा दूंगी। टैसल्स ऑप्शनल है, आपको लगाना है लगाओ। ये मेरे पास रखे हुए थे इसीलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। आप कोई भी कलर के टैसल्स लगा सकते हो, टैसल से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो ये फर्स्ट हमारा DIY जो है वो बिल्कुल रेडी है इन नो टाइम। सो सेकेंड हमारा DIY है यूजिंग कार्डबोर्ड। सो मैंने कुछ एक फ्लावर की कटिंग कर ली थी वाइट पेपर पर और उसको मैंने ट्रेस कर लिया है ये कार्डबोर्ड पर। ये कार्डबोर्ड का जो फर्स्ट लेयर है मैंने निकाल दिया था, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। सो इसको मैंने चार वैसे ही सेम तरह के फ्लावर्स कट किए हैं और उस पर मैंने एक छोटा राउंड लगा दिया है वो फ्लावर का लुक देने के लिए। अब मैं चारों पर डिफरेंट कलर्स कर रही हूँ और उसको जो फर्दर मैं डेकोरेट करूँगी कुछ मिरर से, कुछ लाइमस्टोन से, आपके हिसाब से, आपकी जो क्रिएटिविटी बोलती है आप वैसे उसको डेकोरेट कर सकते हो। और ये एक मैंने लेस ले ली है और उस पर मैंने चारों को स्टिक कर दिया है। तो ये हो गया रेडी हमारा दूसरा DIY। बहुत ही क्विक, ईजी और बिना कोई मेहनत के। थर्ड है हमारा अगेन वेरी इजी एंड वेरी वेरी क्विक टू मेक। ये जो है मैंने वही पॉप स्टिक्स लिए है अगेन, और जो रोप है वो लिया है कॉटन रोप, और उसको मैंने कुछ इस तरीके से उस पर टाई कर दिया है। अब जो कॉटन रोप की स्ट्रैंड्स थी वो मैं खोल रही हूँ सारों की। बस इसमें और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ही आसानी से खुल जाती है। तो ये सारे खुल गए हैं। अब इसको मैं जो कॉम की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लूँगी सो वो थोड़ा टैसल्स वाला लुक दे, और बस ये रेडी हो गया। अब उसे एक शेप में मैं कट कर दूँगी। आप अगर वी शेप करना चाहो तो वी भी कर सकते हो, मैंने स्ट्रेट ही कट किया है। अब जो मैं और दो पॉप स्टिक ले रही हूँ और उसे ग्लू गन की हेल्प से एक ट्राइंगल शेप में उसे मैं स्टिक कर रही हूँ। आप चाहिए तो आप स्क्वायर भी बना सकते हो इसे, या हेक्सागन शेप में भी अच्छा लगता है। और आप तीनों तरफ रोप भी लगा सकते हो, मैंने सिर्फ एक ही तरफ लगाई है, ये वैसे भी अच्छा ही दिख रहा है। तो ये रेडी हो गया हमारा थर्ड DIY। ऐसे मैंने दो बना दिए थे जो डिफरेंट कलर्स में थे। तो फोर्थ हमारा DIY है यूजिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को मैंने सर्कल में कट कर दिया है और उसे मैंने स्टिक कर दिया है दो पीसेस को इकट्ठे, और उस पर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया था। अब मैं इस पर होल कर रही हूँ, एक ऊपर की तरफ और तीन नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। अब जो है मैं उस पर एक और कार्डबोर्ड का पीस लेके उस पर लीव ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि ड्रीम कैचर के नीचे लगेगी। तो ये ऐसे मैंने तीन कट कर दिए हैं। अब इन सबको मैंने जेसो से पेंट कर दिया था फर्स्ट को, और उस पर मैंने ग्रे कलर पेंट कर दिया था। आप इस पर कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो। मैंने एक छोटा सा कोट लिखा था और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन बनाई थी कुछ इस तरीके से। ये वॉल डिकोर जो है वो आप जो है आपकी कार में भी यूज़ कर सकते हो। ये स्मॉल सा और बहुत ही क्यूट सा है, या आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। जब ये सूख गया तो मैंने इस पर कुछ वाइट एक्रेलिक पेंट से डॉट्स कर दिए इस तरीके से,
और जो 3D आउटलाइनर लेकर मैंने डॉट्स बना दिए सिर्फ उसे हाईलाइट करने के लिए, और जो उसकी लीव्स थी उस पर भी मैंने सेम पेंट कर दिया 3D आउटलाइनर से, कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी है। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, और ये हमारा रेडी हो गया है। इन सबको मैंने थ्रेड से टाई कर दिया था। फिफ्थ हमारा DIY है यूजिंग दिस वेस्ट बॉक्स। ये जो एक है वॉलेट का बॉक्स था जिसे मैंने ऊपर से कट कर दिया है, ऊपर का जो उसका हिस्सा है वो इस तरीके से कट कर दिया है, और एक कार्डबोर्ड पीस लेकर मैं उसे इस तरीके से स्टिक कर दूंगी ताकि एक ये हाउस का शेप लगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस पर पेंट कर दूंगी ब्लैक एक्रेलिक कलर से। जब ये कलर सूख जाएगा तो इसकी जो एजेस कवर करने के लिए मैंने इस पर एक लेस लगा दी थी, और इसकी पीछे की तरफ और नीचे भी लगा दी थी। सो और इसके बीच में मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो कि मैंने ग्लू गन से स्टिक कर दिए थे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विक है, बट दिखने में बहुत ही खूबसूरत। तो ये रेडी हो गया हमारा DIY, है ना, बहुत ही सुपर ईजी एंड सुपर क्विक टू मेक। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू सून।